हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आई होप फिट एंड फाइन इन होम। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बेटा अब हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है। जिन बच्चों ने किसी रीजन से पहले की जो हमने वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी, अब आप इस रिवीजन वर्क की वीडियो को देखकर अपने सम जो हम करा रहे हैं वर्क जो करा रहे हैं वो आप समझ सकते हो। तो सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखना। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 है, मींस फिफ्थ चैप्टर जो है मैथ का वो मैं आज आपको करा रही हूँ। और फिफ्थ चैप्टर है हमारा मैथ का। सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो सब्ट्रैक्ट का है। सब्ट्रैक्ट तो आप तो बेटा शुरू से ही करते आ रहे हो, फिर भी जिन बच्चों ने रिवीजन हो जाएगी और जिन्होंने नहीं देखी वो भी ध्यान से आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5.1 में बेटा हमारा सब्ट्रैक्ट है। फर्स्ट सम मैं आपको करा देती हूँ। वैसे तो आपको आते होंगे, फिर भी आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ए पार्ट है हमारा, ये सम दिया हुआ है बेटा, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर वाली डिजिट में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और हम कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा इधर साइड से करते हैं, ठीक है ना, कि हम यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बल्कि इस साइड से हम अपना सम है जो वो शुरू करेंगे। अब देखो बेटा, 7 में से हमने 5 को माइनस किया तो कितने बचेंगे, बताओ? आपको आता होगा क्योंकि मैं पहले भी करा चुकी हूँ ये सम। तो 7 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। 5 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। 3 में से 2 को हमने माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। 4 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। फिर 7 में से हमने 2 को किया तो बेटा 5 आया। तो इस टाइप के हमने कर लिए। अब बेटा मैं आपको एक कैरी वाले बता देती हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। बेटा ये हमारा है, ये हमारे कैरी वाले हैं। अब देखो 4 में से 8 तो हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो इसको हम 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो 4 को हम क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो 4 जो हमारा क्या बन जाएगा, 14। अब 14 में से हमने 8 माइनस किया तो क्या आया बेटा, 6। ओके, अब बेटा देखो 6 जब हमने यहाँ से एक कैरी ली, एक हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, 7, 6 बन गया। ओके बेटा, अब देखो 6 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 4। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, अब देखो बेटा 3 में से 6 नहीं जा सकता, तो हमने 3 को हमें क्या बनाना है, कहाँ से कैरी लेनी है, 4 से कैरी लेनी है, तो 3 हमारा क्या बन जाएगा, 13। और 4 में से 1 कैरी जाएगी तो हमारा ये 4, 3 बन जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। अब बेटा 13 में से हमने 6 को माइनस किया तो कितने बचे, 7। अब यहाँ पर 3 बच गया था क्योंकि हमने 4 में से 1 कैरी यहाँ पे दे दी थी, तो 3 में से हमारा 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। 8 में से हमने 7 के सब्ट्रैक्ट किया तो 1। तो बच्चों ये हमारे कैरी वाले थे, ये विदाउट कैरी के थे। आई होप आपको 5.1 के जो कैरी वाले और विदाउट कैरी वाले वो समझ में आ गए। अब हम चलते हैं बेटा 5.2 पर। जो 5.2 है वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम की है, स्टेटमेंट वाली है। 5.1 में हमारे कैरी वाले और विदाउट कैरी वाले सम दिए हैं और 5.2 में हमारे वर्ड प्रॉब्लम के हैं।
ध्यान से सारे बच्चे इस वीडियो को देखना बेटा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फर्स्ट सम जो है हमारा, मैं रीड कर रही हूँ आपका, फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है 5.2 में, द सम ऑफ टू नंबर इज 87,530, इफ वन ऑफ देम 19,873, फाइंड द अदर नंबर। हमें दो नंबर दिए हुए हैं, तो एक नंबर जो है वो बेटा हमारा 87,530 है और एक नंबर हमारा है 19,873। तो इसमें से हमें अदर नंबर, एक नंबर और फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इनमें बेटा, ध्यान से देखो ये स्टेटमेंट, सम ऑफ टू नंबर, इस दो नंबर दिए हुए हैं 87,530। ओके स्टूडेंट्स, वन नंबर हमारा है 19,873। तो बेटा हमें इसमें एक नंबर फाइंड करना है, एक नंबर और। तो फाइंड करने के लिए हम, अदर नंबर हमें जो फाइंड करना है तो वो हम क्या करेंगे बच्चों, टेल मी, इसमें हम जो हमारा दो नंबर दिए हुए हैं और एक नंबर जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो हम फाइंड करने के लिए बेटा इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं हम, जीरो में से थ्री जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने प्लस किया बताया था, मल्टीप्लाई बताया था, अगर हम जीरो में से किसी को प्लस करते हैं तो वही डिजिट आती है, ठीक है बेटा। बट इसमें माइनस में ऐसा नहीं है, अगर जीरो है यहाँ पे तो इस जीरो को हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस जीरो को हम 10 बना देते हैं यहाँ से कैरी लेकर। थ्री पे से हमने यहाँ कैरी ली तो 10 हो गया, 10 में से 3 हमने माइनस किया तो कितना आया बेटा 7। तो बेटा जब हमने यहाँ से कैरी इसको दी थी तो ये 3 हमारा क्या हो गया 2। अब 2 में से तो 7 भी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, तो हम क्या करेंगे, हम 2 में से कहाँ से कैरी लेंगे, हम यहाँ से, इसको हमने 12 बना लिया। अब 12 में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा बेटा 5। अब यहाँ से जब हमने एक कैरी ली थी तो ये 4 बन गया, अब यहाँ से हम एक कैरी यहाँ ले लेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा, 14 में से 8 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 6। जब हमने यहाँ पर इसको कैरी दी थी, एक यहाँ चला गया तो ये 7 में से एक 6 आ गया। ओके बेटा ये हमारा 6 बन गया। आप देखो 6 में से भी 9 नहीं जा सकता, तो इसमें भी हमें कैरी लेनी पड़ेगी, इसको भी हमें 16 बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको भी 16 बना दिया, ऐसे कर लेना जिससे आपको डाउट ना हो, ठीक है। 16 में से हमने अब क्या करना है बेटा, हमें 16 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो करो बेटा 16 में से 9, बताओ आपको आता होगा। 16 में से 9 हमने कैरी, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा बताओ, 7। कितना बचेगा बच्चा 7 बचेगा बच्चों। अब जब हमने यहाँ पर एक कैरी ले ली तो हमारा 8 क्या हो गया 7। 7 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा बेटा 6। इज दैट क्लियर। तो हमारा अदर नंबर क्या आया, अब हम लिखेंगे अदर नंबर इज, हमारा अदर नंबर क्या आया
67,657. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एक सम और देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छी क्लियर हो सके स्टेटमेंट वाले। थर्ड देखते हैं बेटा हम। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज 5,35,700 है एक सिटी की, और पॉपुलेशन ऑफ बी सिटी बी, और बी जो सिटी है उसकी है 2,98,370। बी सिटी हैज ग्रेटर पॉपुलेशन। अब हमें इसमें मतलब ग्रेटर सबसे ज़्यादा किस सिटी की पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके लिए हम हाउ मच मोर, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो अब लिखते हैं हम इसकी स्टेटमेंट बेटा। देखो द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, ए की क्या है 5,35,700 पॉपुलेशन दी हुई है बेटा। अब ये ही देखो हम ऐसे ही ये ऐसे डाल देंगे सिटी बी, ठीक है बेटा। आपको लिखनी है, मैंने ये कोमा का निशान लगाया बट आपको ये राइट करना है अपनी नोटबुक में। सिटी बी इज, बी की क्या पॉपुलेशन दी हुई है बेटा 2,98,375 ये दी हुई है। अब हमें इन दोनों में से पता करना है कि किसकी ज्यादा है, तो इसके लिए हम बेटा इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, 10 में से 5 सॉरी 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो इसको अब हम क्या लेंगे कैरी। अब बेटा कैरी लेंगे जब हम इसको, तो यहाँ भी 0 है, तो आप सोचोगे यहाँ 0 है तो फिर इस कैरी कहाँ से ले, तो कैरी अब हम यहाँ से लेंगे 7 पर से। तो 7 में से हमने इसको कैरी लिया, 0 को 10 बना दिया, तो बेटा 10 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 5। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी 20 होती है और हम 3 डिजिट से हम कैरी लेते हैं तो ये वाली 0 भी हमारी 9 में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है बेटा। 9 में से अब हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 2। जब हमने यहाँ से इसको कैरी दी थी तो हमारा 7 क्या हो गया था बेटा 6, तो 6 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 3। अब देखो फिर यही 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो हमने अब यहाँ पर 3 में से 5 को क्या कर लिया बेटा 15 बना दिया। 15 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा 7। ओके बच्चों, अब हमने जब यहाँ पर कैरी ली थी तो बेटा हमारा 3 बन गया 2, 2 में से 9 नहीं जा सकता, नहीं माइनस हो सकता, तो अब हमने यहाँ कैरी ली तो ये क्या आ गया 12। अब 12 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा बेटा 3। जब हमने यहाँ पे बेटा एक कैरी ली थी तो ये हमारा 4 बन गया 5 जो है, क्योंकि जब हम एक कैरी इधर दे देते हैं तो ये एक माइनस हो जाता है यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया 4 में से 2 गया 2। तो ए की जो पॉपुलेशन थी, ए सिटी की पॉपुलेशन 2,37,325 ज़्यादा है बी सिटी से। तो अब हम सिटी ए हैज ग्रेटर पॉपुलेशन,
तो जो सिटी ए की पॉपुलेशन है वो बी सिटी से 237,325 ज़्यादा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम के और कैरी वाले सब्ट्रैक्ट और विदाउट कैरी वाले भी बताए हैं। आई होप आपकी अच्छे से रिविजन भी हो गई होगी और आपको जो सम थे वो समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज फिर भी इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।